भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिनशरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। क्या? हाँ, जो भी हो तुम्हारी व्हाइट वाली गोल गोल, मैं क्या जानू, कपड़े वाले से लफड़ा पूछ रहे तुम, मेरे पास कपड़े ही नहीं है, मैं क्या बताऊं क्या होता है, विचार कर। मान्य सोचना है आपको, कहां जा रही है दुनिया, कहां बाथरूम है, वॉशरूम ऐसी लगती है जैसे कॉस्मेटिक की दुकान में आ गए हों, ध्यान रखना। अरे बड़े बड़े मिरर, बड़े बड़े शीशे, धत्ते देखी, जहां से एक मिनट में निकल आना चाहिए वहां 10 मिनट मजा लेता है, तो वहां करता क्या है बैठा बैठा, ऐसा नहाता ऐसा स्नान करता है, वहीं अखबार पढ़ रहे हैं बैठ करके, ध्यान रखना कैसे मन लग रहा उसमें बैठ करके तुम्हारा, आदमी है कि क्या है भाई, समझ ही नहीं आता है, इतना वॉशरूम में मन लगता है, विचार करना है आप। मानिवर, त्याग का दिन है, एक बात याद रखना, त्याग बहुत कठिन लगता है उन लोगों को जिन्हें प्यार नहीं हुआ करता है, ध्यान रखना, त्याग उनके लिए आसान है जिनके भीतर प्रेम होता है। मैं आपसे कहता हूं, प्रेम करना सीख जाओ, त्याग अपने आप आ जाएगा, लाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा। आप क्या सोचते हैं कि भरत जी ने 14 वर्ष सिंहासन छोड़ा तो वह त्याग के लिए छोड़ा? नहीं, उनका राम जी से प्रेम था, प्रेम ने त्याग करा दिया, ध्यान रखना है। मान्यवर, त्याग त्याग नहीं कराता, प्रेम त्याग कराता है, अपना प्रेम विस्तृत करो। यदि राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं तो लोग कहते हैं कि पिता की आज्ञा के लिए गए, नहीं, पिता के आदेश के लिए राम नहीं गए, राम को पिता से अटूट प्रेम था, इसलिए उन्होंने 14 वर्ष के लिए वनवास स्वीकार कर। प्रेम के बिना त्याग नहीं होगा, ध्यान रखना, जहां प्रेम है वहां त्याग है, और जहां प्रेम नहीं वहां त्याग नहीं, और बिना प्रेम का त्याग केवल छलावा है, कपट है, दिखावा है। आज मैं नग्न हुआ हूं तो ये मत सोचना कि नग्नता मेरा शौक था, महावीर से मेरा प्रेम था, इसलिए मैंने वस्त्र उतार करके फेंक दिए हैं, ध्यान रख। प्रेम में छूटता है, मालूम नहीं, प्रेमी के लिए तो सब कुछ छोड़ देते हो ना, नहीं छोड़ते हो का? अरे ऐसे ऐसे छोरे हैं, 2 दिन की मिली लड़की के लिए 20 साल के माँ बाप छोड़ दिया करते हैं, ध्यान रखना। किसके दम पे छोड़े? माँ बाप के दम पे नहीं, प्रेम के दम। एक प्रेम ही तो है ऐसा जो जीवन में त्याग लेकर के आ जाता है। आप यहां आकर के क्यों बैठे हो, क्यों ये साधना कर रहे हो? कहीं ना कहीं प्रेम है ना, ध्यान रखना। प्रेम देव से है, प्रेम गुरु से है, प्रेम शास्त्र से है। कहते ना, हे भगवान हम तुम्हारे दीवाने हो गए, ध्यान रखना। बिना प्रेम के त्याग नहीं, और बिना प्रेम का जो त्याग होता है वह कष्ट देता है, वह तारीख देखता है, 1 साल को छोड़ता हूं, 6 महीने को छोड़ता हूं, 1 महीने को छोड़ता हूं, इसका मतलब भाई प्रेम जगा नहीं है भीतर। प्रेम जग जाए तो फिर तारीखें क्या होती हैं, फिर लिमिट क्या होती है? प्रेम तो अनलिमिट हुआ करता है। यदि ईश्वर से प्रेम जग गया है तो ध्यान रखना, प्रेमी ही संन्यास लिया करता है। लोग कहते हैं संत पत्थर हृदय होते हैं, मैं कहता हूं संत से ज्यादा सेंसिटिव आदमी दुनिया में कोई दूसरा होता ही नहीं है, ध्यान रखना। संत से ज्यादा संवेदनशील कोई और नहीं होता है। यदि संवेदनशीलता ना होती तो इतना बड़ा कांटों का रास्ता कोई पकड़ता है क्या? ध्यान रखना, ऐसा क्या शौक लगा था फूलों के रास्ते छोड़ के कांटों के रास्ते पर चल रहे हैं? ऐसा क्या शौक लगा था? विचार करिए, गरीब से गरीब के घर में भी रोटी कपड़ा मकान होता है। लोग कहते हैं खाया कमाया नहीं गया इसलिए महाराज बन गए। अरे कितने भिखारी हैं, महाराज बना के दिखाओ एक आध को, बन जाएंगे क्या? विधवा की जिंदगी जी लेते हैं, दुख जी लेते हैं, और बोलो आरी का बन जाओ तो भाव नहीं हुआ करते हैं। रिक्शा चला लेता है, मेहनत मजदूरी कर लेता है, दुकानों पे काम कर लेता है, उसको बोलो दीक्षा ले लो, उसके भाग्य में नहीं है। दीक्षाएं अभाव से थोड़ी होती हैं, दीक्षा परमात्मा के प्रेम से हुआ करती है, ध्यान रखना। प्रेम में त्याग है। माँ बोले कि रात को 12 बजे दवाई ले आ तो लड़का नहीं जाए, कहेगा चुपचाप सो जा, और एक लड़की का कॉल आ जाना कि 12 बजे राजा बाजार के मंदिर के नीचे मिलूंगी,
माँ रोके तो भी क्या, अरे नहीं नहीं मम्मी अभी आता हूं अभी आता हूं, अरे क्यों जा रहा, 12 बजे पानी गिर रहा है, आग बरसे या पानी उसे तो जाना है, ध्यान रखना कौन बुला रहा है, प्रेम, ध्यान रखना प्रेम में बड़ी ताकत होती है, भावुकता प्रेम नहीं होती है। मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं कोई भावुकता वाला, वह तो जीवन के दुर्दिन दिखाया करता है, प्रेम तो तृप्ति है, प्रेम बहुत बड़ा विशाल चीज है, बुद्धि से प्रेम नहीं परमात्मा से प्रेम होना चाहिए। प्रेम पैदा करो, त्याग अपने आप होगा, अपने आप त्याग होगा। जो साधुओं की संगति करते हैं, संतों से प्रेम प्रदर्शित करते हैं, उन्हें छोड़ना नहीं पड़ता, उनका सब छूटते जाता है, छूटते जाता है। तब लो सतसंगति नित्य रहे, जब लो मम संयम चित्त रहे, ध्यान रखना। त्याग तपस्या बिना प्रेम के नहीं हुआ करती, पत्थरों को थोड़ी त्याग मिलता है जिंदगी में। प्रेम की ताकत अपने अंदर पैदा रखोगे तो ध्यान रखना सब कुछ होगा। भरत जी महाराज देखो प्रेम क्या होता है, माता कौशल्या ने भरत जी को देखा, भरत जी ननिहाल से लौट कर आए, कैकेयी ने वनवास मांग लिया राम के लिए, मालूम है क्या किया, सब घटनाएं तुमको मालूम है, कैकेयी का परित्याग किया राम भरत जी महाराज ने, मैं आज के बाद तुम्हारे इस कक्ष में प्रवेश नहीं करूंगा, 14 वर्ष तक तुम्हारे कक्ष में कभी नहीं आऊंगा, मैं सुबह से तुम्हारा कभी मुंह नहीं देखूंगा, माता कैकेयी तुझे माता कहने में मुझे शर्म आती है, ध्यान रखना। तूने राम के लिए वनवास मांगा, उस समय तेरी जुबान पे कीड़े ने क्यों नहीं पड़ गए, तेरी जुबान गल क्यों नहीं गई, रामायण को देखो इतनी गालियां दी होंगी राम ने कि शायद एक स्त्री को भी कोई साधारण व्यक्ति गाली नहीं देता जितनी गाली भरत जी ने कैकेयी को प्रदान की। जार जार आंसू बहा रही है कैकेयी, क्या सोचती है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है, कैकेयी सोचती है कि जिसे मैंने वनवास दिया, जिसे मैंने वन में भेजा, वो बेटा मेरे पैर छू कर जाता है, और जिसके लिए राज्य मांगा वो मुझे गालियां देता है। कैकेयी को बोध प्राप्त हुआ, ध्यान रखना, तभी तो भरत को मनाने राम को मनाने जाती है, अरे जिसके लिए वनवास मांगा उसने एक क्षण भी मेरी बुराई ना की, और उसने मेरे चरणों में माथा रखा और कहा कि माता आशीर्वाद दे तेरे वचन को निभा सकूं मैं, ध्यान रखना, मैं धन्य हुआ कि कम से कम तूने 4 पुत्रों में मुझे अपने वचन निभाने योग्य समझा, एक बेटा वो है मेरा और एक बेटा ये है जिसके लिए सिंहासन मांगा, और वो कहता है कि तेरी जुबान पे कीड़े क्यों ना पड़ गए, ध्यान रखना। भरत जी महाराज यही तो चाहते थे, शब्द तीखे थे, ध्यान रखना, संतों का क्रोध भी उन्नति में कारण हुआ करता है, कल्याण में कारण हुआ करता है, महापुरुषों की कषाय भी कल्याण में कारण होती है। भरत जी ने क्रोध किया, लोग कहते हैं संत पुरुष क्रोध नहीं करते, भरत ने क्रोध किया मां पर, जानते हो क्यों क्रोध किया भरत जी ने, ताकि तुझे समझ में आ जाए कि भरत नहीं दुनिया में राम ही सही हुआ करते हैं, ध्यान रखना। कैकेयी के मुंह से निकला भरत, तुझसे अच्छा पुत्र तो मेरा राम है जिसे मैंने वनवास दिया है। भरत जी मन ही मन खुश हुए कि अरे दुर्मति, कम से कम इतनी मति तो तेरे अंदर आ गई ना, इतनी सद्बुद्धि तो तेरे अंदर आ गई, बस यही तो मैं चाहता था। भरत जी बड़े एक अलग व्यक्तित्व है उनका, भरत जी महाराज से कहा गया कि सिंहासन पर बैठो, भरत जी ने कहा मैं सिंहासन पर कैसे बैठू, गुरु वशिष्ठ ने कहा हम तुम्हें जबरदस्ती बिठाएंगे, भरत जी ने कहा बैठेंगे क्यों नहीं बैठेंगे, ध्यान रखना अपने से बड़ों को कैसे मना किया जाता है यह कला भी आना चाहिए, एकदम से मना करोगे ना तो मर्यादाएं भंग हो जाएंगी, उस परिवार में हर व्यक्ति मर्यादा में जिया है, बड़ों को कैसे मना करे, बोले भरत यदि हम तुमको जबरदस्ती बिठा दें सिंहासन पर तो क्या करोगे, भरत जी ने कहा मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन गुरु वशिष्ठ एक बात तो बता दो मुझे, बोले क्या, एक बात मुझे बताओ, कौन कहता है कि मैं त्यागी हूं, मैं लोभी हूं, मुझसे बड़ा लोभी संसार में कोई और नहीं होगा, तुम लोभी हो भरत, हाँ मेरे जैसा लोभी, मेरे जैसा तृष्णा वाला दुनिया में कोई नहीं हो सकता है,
सारी दुनिया तो तुमको त्यागी कहती है। भरत जी ने कहा मैं भोगी हूं, मैं लोभी हूं। बोले क्यों? बोले इसलिए लोभी हूं कि गुरु वशिष्ठ कितनी अंदाज से उन्होंने मना किया है कि मैं सिंहासन पर बैठूंगा, लेकिन एक बात बताओ गुरु जी, लोभी व्यक्ति को ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? बोले लोभी को तो ज्यादा चाहिए। तो बोले मैं तो लोभी हूं, मैं त्यागी नहीं हूं, मैं विरक्त नहीं, मैं वैरागी नहीं, मैं बहुत बड़ा लोभी हूं। बोले क्यों? बोले यदि सिंहासन पर बैठूंगा तो मुझे अयोध्या का पद मिलेगा, और राम के चरण रखूंगा तो मुझे दो पद प्राप्त हो जाएंगे। ध्यान रखना, लोभी व्यक्ति तो ज्यादा ही लेता है ना। अब बताओ गुरुदेव, इनमें दो पद लूं या एक पद प्राप्त करूं? ध्यान रखिए, यदि मैं बैठता हूं तो अयोध्या का राजा कहलाऊंगा, और राम की पादुकाएं यदि इस पे रखता हूं, एक पद नहीं मुझे दो पद की प्राप्ति हो जाएगी, वही इस सिंहासन पर बैठेंगे। कितने अच्छे अंदाज से उन्होंने मना किया। ध्यान विचार करना।